आई होप सो, आई होप आप सब बढ़िया होगे, ठीक है, और मोस्ट मज़े कर रहे होगे अपने, ठीक है। ये सजेशन है कि इस टाइम को एंजॉय करो, ये टाइम फिर नहीं आना है, क्योंकि ऐसा ना यार, एक बार आप सच बता रहा हूँ, MBBS में घुस गए ना, तो फिर तो पेपर थ्योरी प्रैक्टिकल घुसे रहोगे, लेक्चर अटेंडेंस ये वो, मतलब फिर टाइम नहीं मिलना आपको कहीं घूमने फिरने का। तो अगर अभी आपके पास टाइम है जो, उसमें कहीं आपको जाना है रिलेटिव के घर, या कहीं पे भी भाई कहीं टूर पे आपको जाना है, या कुछ आपको नॉवेल्स पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, तो अभी टाइम है आपके पास। मूवी देखनी है तो प्लेंटीफुल ऑफ टाइम है। अभी आई थिंक इस महीने आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने के चांसेस है हालांकि, तो इन्जॉय करो इस टाइम को, ठीक है। ये टाइम फिर नहीं आने वाला, हमें पता है ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, हमने भी थोड़ा सा इस टाइम को लैग किया था, और अभी हम लैग कर रहे हैं कि भाई इस टाइम पे हम वो कर लेते तो कितना अच्छा होता। तो यही है, इस टाइम को इन्जॉय करो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ना डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है, ठीक है। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि वो बॉन्ड है क्या, ठीक है, और वो सर्विस बॉन्ड और जो आपने देखा हुआ सीट लिविंग बॉन्ड, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, क्या बॉन्ड वाले स्टेट्स को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, वह बॉन्ड होता है क्या है, कितना मतलब पेनल्टी देनी होती है, क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बॉन्ड के ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्ड क्या होता है ना, आपके पास दो टाइप के बॉन्ड होते हैं किसी भी कॉलेज के, जो जनरली स्टेट्स के एम्स के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और आपके DU के कॉलेज के अंदर भी आई थिंक कुछ, मेरे कॉलेज के अंदर तो नहीं है कोई बॉन्ड, DU के कॉलेज के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और आपके जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो गए, एम्स जो है, BHU हो गया आपका, JNU हो गया, इन सब के अंदर, जिपमर के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, PGI के अंदर, PGI चंडीगढ़ के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो जनरली स्टेट्स कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड होते क्या ना, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं आपके, सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड। सबसे पहले बात करते हैं हम सीट लिविंग बॉन्ड की। सीट लिविंग बॉन्ड क्या होता है ना, आपने कोई लेट से आपने कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया आपने, XYZ ABC कोई भी ABC कॉलेज ज्वाइन कर लिया आपने, तो स्टेट का ना एक बॉन्ड होगा जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फिल करना होगा कि भाई इस कॉलेज को मैं डिग्री कंप्लीट किए बिना छोड़ू नहीं गा, इस मतलब डिग्री को बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। यह आपका सीट लिविंग बॉन्ड होता है। और अगर मैं इस सीट लिविंग मतलब डिग्री को छोड़ता हूँ तो पेनल्टी जो कि होगी अराउंड 5-10 लैक्स होती है, 5 लाख 10 लाख। तेलंगाना में आई थिंक 25 लैक्स है, हरियाणा में 10 लैक्स है, UP के अंदर अभी मुझे एक्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। तो डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट वो होता है, पेनल्टी होती है अमाउंट। तो मैं जो अगर मैं सीट छोड़ूंगा ना, तो मैं इतने पैसे स्टेट इस स्टेट गवर्नमेंट को मैं पे करूँगा, ठीक है, अगर मैं सीट को बीच में छोड़ता हूँ तो वो होता है आपका सीट लिविंग बॉन्ड, जो कि मोस्टली हर स्टेट में ही है। अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड की। सर्विस बॉन्ड क्या होता है ना, अब आपकी डिग्री आपने कर ली, कंप्लीट होगी आपकी डिग्री, अब क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि आपको भाई आपने हमारे यहाँ से डिग्री करी है तो आप फीस जो है प्राइवेट कॉलेज के अंदर तो 1-1 करोड़ रुपये फीस है, हमने आपकी डिग्री करवाई है 5 लाख रुपये में, 10 लाख रुपये में, तो भाई हमें भी तो कुछ दो, एजुकेशन तो आपको मतलब हालांकि अच्छे लेवल की मिली है वहाँ से, तो बट डिग्री तो आपको बराबर की मिली ना, MBBS की डिग्री तो हमने दी और वो 1 करोड़ में दे रहा है, हम आपको 10 लाख में दे रहे हैं, तो हमें भी कुछ जो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस बॉन्ड देती है आपको कि भाई आपको 1 साल 2 साल के लिए सर्विस करनी है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, और फिर आप उसके बाद आप फ्री हो। या अगर आपको भाई के बच्चे होते ना कि मुझे तो सर्विस नहीं करनी, मुझे तो अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, मुझे तो खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है, या मुझे फॉरेन में कहीं जाना है तो मुझे तो नहीं करना, उसके लिए क्या होता ना, उसके लिए होती पेनल्टी। फिर डिफरेंट स्टेट में वही बात है, डिफरेंट पेनल्टी है, किसी स्टेट में 10 लैक्स है, किसी में 20 लैक्स है, मैक्सिमम आई थिंक 40 लैक्स तक ही है, 20-40 लैक्स तक ही है, इससे ऊपर पेनल्टी नहीं है, तो वो होती फिर पेनल्टी। जैसे FMC की बात करें तो वहाँ पे 63 लैक्स की पेनल्टी है, और 7 ईयर का बॉन्ड है, 7 साल का, 7 साल आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के अंदर सर्व करना होगा बाकायदा एज ए ऑफिसर। आपको सर्व अच्छी खासी अलग ही सैलरी भी मिलती है बॉन्ड्स के अंदर, ऐसा नहीं होता जनरली, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन करोगे तो 80,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी, और अगर आप FMC वगैरह में ज्वाइन करते हो तो वो 1 लाख के अराउंड चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है फ्री में सर्व करना होता है, वहाँ पे सैलरी मिलती है आपको बकायदा एज आप मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे ज्वाइन करते हो, ठीक है, बकायदा डेकोरम होता है आपका, ठीक है, तो वो होता है, ये होता है सर्विस बॉन्ड आपका। अब बात आती है कि भाई अगर किसी स्टेट में बॉन्ड है तो क्या वो बॉन्ड वाले स्टेट ज्वाइन करना वर्थफुल है, क्या मतलब टाइम की वेस्टेज तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जनरली देखा गया है 99% केसेस में कोई भी बच्चा बॉन्ड को सर्व कर नहीं करता है। क्या होता है ना, किसी स्टेट में भाई लेट्स से 1500 को MBBS की सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ठीक है, और तो होता क्या है ना, उस स्टेट्स की जो वैकेंसी होती है ना मेडिकल ऑफिसर की, वो तो अराउंड 400 के आसपास ही होती है, और सीट्स निकल रही है वहाँ से 1500। तो क्या होता है ना, जनरली वहाँ के जो लोकल बच्चे होते हैं या वहाँ के जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो मेडिकल ऑफिसर लगना चाहते हैं, उनको वो पहले प्रेफर करते थे ज्वाइन करने के लिए,
और जनरली जो ऑल इंडिया कोटा के या जो बच्चे सर्व नहीं करना चाहते होते ना वो बच्चे बच जाते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है 99% केसेस में कोई भी बच्चा बॉन्ड को सर्व नहीं करता, वो अपने पास से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, डिस्क्लोज हो जाता है और आप फ्री हो जाते हो आफ्टर डिग्री ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, जो सर्विस जो सीट लीविंग बॉन्ड है वो सबको कंपलसरी है और वो पे भी करना होता है और वो पे करते भी है बच्चे। क्या होता है ना, कई बच्चे क्या होते हैं, भाई मैंने स्टेट में कॉलेज उठा लिया बट मेरा तो कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे तो अगले साल ड्रॉप करना, बट बीइंग अ सेफर साइड मैं इसलिए मैंने ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, वो पे भी करते हैं और वो सीट लीविंग करते हैं, तो अगर नेक्स्ट ईयर पेपर देते हैं और उनको अच्छा स्कोर आ जाता है तो सीट लीव कर देते हैं और वो पे करके वो निकल जाते हैं वहाँ से। तो ये होता है सीट लीविंग बॉन्ड, जो कि मोस्टली बच्चे पे करते हैं जिनको छोड़ना होता है। बट सर्विस बॉन्ड का ऐसा कुछ इशू नहीं होता है, रेयरली स्टेट्स में, रेयरली कंडीशन में आपको सर्व करना। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वन ईयर का बॉन्ड है जो कि सर्व करवाते ही ऑलमोस्ट, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली स्टेट में कहीं भी आपको सर्व नहीं करना होता। तो बॉन्ड को देख के स्टेट्स को रिजेक्ट मत करो अगर आपको कोई भी सीट मिल रही है तो, कि भाई इस बॉन्ड है यहाँ पे तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि हरियाणा में भी 5 साल का बॉन्ड है, बट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि हरियाणा के बॉन्ड के बारे में कि क्या हरियाणा का बॉन्ड रियलिटी में, ठीक है। तो अगर हरियाणा में भी आपको कोई सीट्स मिल रही हैं तो प्लीज़ रिजेक्ट मत करो उसको, प्लीज़ उसको ज्वाइन करो, ठीक है। वर्थफुल है, वर्थफुल है, वर्थफुल है, मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है। मैंने देखा बच्चे साउथ में जाते हुए हरियाणा को छोड़कर, तो ऐसा मत करो आप, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सीट मिल रही है तो प्लीज़ आओ, मोस्ट वेलकम टू यू, ठीक है। मेरा तो सेंट्रल स्टेट है ना, मैं तो हालांकि हरियाणा से बिलोंग ही करता हूँ, तो मोस्ट वेलकम टू यू। तो इस वीडियो में यही था कि सर्विस, हालांकि आपको वीडियो के एंड में एक जो है यहाँ पे ऐड कर दूंगा किस स्टेट में कितना बॉन्ड है और कितने वहाँ पे पेनल्टी अमाउंट है, कितने ईयर का बॉन्ड है, ठीक है। तो ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, ठीक है। और काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, आई नो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, लिखते रहो अपना, ठीक है ना, ऐसा ना गैप मत आने देना प्लीज़, कुछ भी ऐसा पढ़ते रहो जिससे कि आपका माइंड जो है एक्टिव रहे, ठीक है। कोई नॉवल पढ़ लिया आपने, कोई बुक्स पढ़ ली, कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख ली, MBBS के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो, तो वो देख लो आप, ठीक है। आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से स्टेट में जाना है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा डिसाइड कर लो। काउंसलिंग के बारे में आपको पूरी आपको गाइड करूँगा मैं, बट आपके भी कुछ डिसीजन होते हैं कि भाई मुझे उस स्टेट में जाना, मुझे उसमें थोड़ा सा नहीं जाना या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ अपने थोड़ी सी लिस्ट विस्ट बना लो, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो पूरे, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थोड़े से एक्स्ट्रा ही लेकर चलना। ऐसा नहीं है कि भैया तो मांगा ही नहीं है तो ये तो मैं लूँगा ही नहीं, लेट से कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है जैसे, तो आपको मस्ट है वो रखना ही होगा, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, मौज मस्ती करो, ठीक है। ये टाइम फिर नहीं आएगा MBBS में घुसने के पास। और ये बात आपको याद भी है कि जब आप MBBS में एडमिशन ले लोगे ना कि भैया सच बोल रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। कभी PCT है, कभी सेमेस्टर एग्ज़ाम है, कभी MP है, ठीक है, कभी प्रैक्टिकल है, कभी थ्योरी है, अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इस टाइम को एंजॉय करो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।